हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंटरेस्टिंग जानकारी पर। तो आज मैं आपको ऐसे चार अनोखे भारतीय रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, भारत में कई यूनिक चीजें हैं और रेलवे उनमें से एक है। रेलवे को भारत का लाइफलाइन माना जाता है और देश के करीब 7000 रेलवे स्टेशन हैं। देश में कई रेलवे स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए और सफाई को लेकर मशहूर है, लेकिन कुछ स्टेशन भी और भी ज़्यादा यूनिक है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला रेलवे स्टेशन है नवापुर रेलवे स्टेशन। भारत के सबसे यूनिक रेलवे स्टेशन में नवापुर रेलवे स्टेशन का नाम सबसे ऊपर आता है। इस स्टेशन की खास बात यह है कि ये दो राज्यों में बंटा हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों, नवापुर रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा महाराष्ट्र में है और दूसरा हिस्सा गुजरात में, जहां प्लेटफॉर्म से लेकर बेंच तक सभी चीज़ें पर महाराष्ट्र और गुजरात लिखा हुआ है। दूसरा रैनागर स्टेशन, पश्चिम बंगाल के बर्धमान से 35 किलोमीटर की दूरी पर बांकुरा मैसा ग्राम रेलवे लाइन पर मौजूद इस रेलवे स्टेशन को साल 2008 में बनाया गया था। दोस्तों, इस स्टेशन का नाम रैनागर दिया गया था, लेकिन गांव वालों को ये नाम पसंद नहीं आया तो उन्होंने ये नाम मिटा दिया। तब से ये स्टेशन बिना नाम के ही है। स्टेशन है बेनाम स्टेशन। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची से टोड़ी जाने वाली ट्रेन भी एक बेनाम स्टेशन से होकर गुजरती है। इस स्टेशन से गुजरते वक्त आपको कोई भी साइन बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस स्टेशन का नाम बड़की चापी रखने का सोचा गया था, लेकिन कमले गांव के लोगों को ये नाम पसंद नहीं आया और वो इस स्टेशन का नाम कमले रखना चाहते थे। इस विवाद के चलते यह स्टेशन बेनाम रह गया। तीसरा स्टेशन है अटारी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अगर आप अटारी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं या फिर इस स्टेशन पर उतरना चाहते हैं तो आपके पास वीजा होना चाहिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित अमृतसर के अटारी रेलवे स्टेशन पर बिना वीजा के आना जाना सख्त मना है। बिना वीजा के पकड़े जाने पर आपको सजा भी हो सकती है। तो क्या इससे पहले आप इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।